प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ की जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। प्यारे, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में व्हाट इज अ सेल, मतलब सेल क्या है, इसके बारे में जाना था। और हमने सेल के टाइप बताया था कि सेल जो है टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब जो पुरानी सेल होती है, और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस सेल। जो पुरानी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीचर नहीं होते, मतलब कोई भी चीज़ अगर पुरानी है तो उसमें फीचर नहीं होते ज़्यादा, और नई जो या एडवांस कह सकते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फीचर होते हैं। तो उसी बेस पर आप थोड़ा गेस कर लेना कि प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी सेल, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मतलब एडवांस सेल्स, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मतलब जो डिफरेंस मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस निकलता है, आइए देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं या प्लांट अपना भोजन जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं या हम लोग जो है अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम लोग क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या तो हम किसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, या तो किसी जो है दूसरे जंतु से जो है अपना भोजन जो है हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो है प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए हम दोनों में कुछ ना कुछ जरूर सेल में डिफरेंस होगा। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट, CO2 और वाटर लेकर अपना क्या काम करते हैं, भोजन बनाते हैं। और इनके सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, या क्लोरोफिल कह सकते हो। तो जो क्लोरोप्लास्ट कहें या प्लास्टिड कहें, ये क्या होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। तो आप पहला डिफरेंस लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट यहां पर आप प्लास्टिड भी लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहिए या प्लास्टिड लिखिए, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। अरे इसमें सेल में है, प्लांट सेल में, तो इसमें क्या लिखोगे, प्रेजेंट। और इधर एनिमल सेल है, इसमें क्या होते हैं आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये हमारा एक पहला डिफरेंस हो गया। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है। अब दूसरा हमारा डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये जो सेल वॉल होती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, अब देखिए जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल इज अ प्रेजेंट। और एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। सेल वॉल मतलब ये जो है मतलब प्लांट को क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और एनिमल सेल में जो है सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगला तीसरा डिफरेंस देखते हैं, आपने सुना होगा लाइसोसोम, हमने सेल ऑर्गेनेल के नाम बताए थे, जिसमें हमने लाइसोसोम का भी नाम बताया था। लाइसोसोम्स, अब ये लाइसोसोम्स क्या होता है, ये केवल जो है आपका एनिमल सेल में होगा और प्लांट सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल में लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इस साइड में आप क्या बताएंगे, एनिमल सेल में लाइसोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगला डिफरेंस देखते हैं, सेंट्रोसोम्स,
आप देखिए जो सेंट्रोसोम्स होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है कि जो सेल जो है मतलब डिवाइड होती है, मतलब जब एक सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो है सेंट्रोसोम जो है हेल्प करता है। लेकिन ये किस में होगा आपका, केवल जो है एनिमल सेल में सेंट्रोसोम जो है होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेंट्रोसोम्स इज अब्सेंट, और इस साइड आप क्या लिखेंगे कि जो है सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगला डिफरेंस की बात करते हैं हम, फूड वैक्यूल। देखिए जो फूड वैक्यूल्स होती हैं ये मतलब फूड को स्टोर करती हैं, या जो सेल के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या काम करती हैं, स्टोर करती हैं। लेकिन जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें फूड वैक्यूल्स क्या होती हैं, बड़ी होती है, और इसमें क्या होती है एनिमल सेल में स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। फूड वैक्यूल्स जिसे हम खाद रिक्तिका कहते हैं, तो क्या कहोगे कि फूड वैक्यूल्स आर, इसमें लिखो इज स्मॉल, इज लार्ज, और इसमें क्या लिखोगे, फूड वैक्यूल इज स्मॉल। तो ये हमारे बच्चों ये क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। नेक्स्ट है देखिए बच्चों, जो सेल्स होती हैं इनका शेप कैसा होता है और साइज कैसा होता है, शेप और साइज। देखिए जो सेल्स होती है वो हमको किस तरह की दिखाई देती, ओवल दिखाई देती हैं, मतलब अंडाकार। अंडाकार हो सकती हैं, थोड़ा रुक दीजिए एक मिनट, स्फेरिकल, या जिसे हम क्या कहते हैं, गोलाकार, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, पेंटागोनल आदि प्रकार की होती हैं। अब देखिए जो साइज की अगर हम बात करते हैं, जो कुछ सेल्स जो होती है बहुत मतलब माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब 0.1 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन तक होती हैं, तो इतनी हमारी सेल की साइज होती है। अब देखिए अगर हम सबसे अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें, तो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन सेल होती है या नर्व सेल से कहते हो, वो क्या होती है, सबसे लार्जर सेल होती है, बिगेस्ट सेल की बात करें कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा, तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे क्या होती है, बिगेस्ट सेल होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, और सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, मतलब सबसे छोटी सेल, तो मतलब एक बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो सबसे छोटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पी से प्लूरो निमोनिया, एल फॉर लाइक,
और ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी सेल तो हम क्या बताएंगे, न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी सेल कौन होती है, मतलब ऑस्ट्रिच के एग। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी, माइकोप्लाज्मा, मतलब ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, PPLO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप देखिए सेल को हम स्टडी करते हैं वो साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और जो सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे सेल मतलब बड़ी सेल कौन सी होती है, छोटी सेल कौन सी होती है, और सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ओके क्लास, थैंक यू।